गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे भी नहीं पता था मैं इतनी जल्दी जल्दी शूट कर पाऊँगी। मैं सोच रही थी जब स्टार्ट किया था कि कैसे करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब स्टार्ट कर लो कुछ तो होने लगता है। एंड यू नो, रिस्पॉन्स देखने के बाद एंड इतने सारे मैसेजेस सब लोग कर रहे हैं कि दे आर इन्जॉइंग द व्लॉग, उन्हें मज़ा आ रहा है, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि नया व्लॉग बनाऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मतलब अब आप अपना डेली लाइफ का व्लॉग कुछ बनाओ, कुछ डालो। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ कुछ बना सकूँ। लाइक आई ट्राई टू शूट द होल डे एंड लेट्स सी कैसा जाता है। सो माई डे स्टार्टेड विद दी सोप डायमंड्स। नहीं, ये सारे मेरे नहीं हैं, आधे वामिक के। एंड देन आया था मेरा एक पार्सल, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या। अभी मेरा लेंस एक्सचेंज होके आया है और आप लोगों ने देखा होगा मेरे बेबी शार्क की वीडियो में एंड पिक्चर्स में कि मैं लेंस लगाया था, तो वही ये लेंस है। दिस इज़ एक्वा लेंस का ग्रे कलर, बट उसमें क्या हुआ था कि वो टूट गया था, मतलब आई डोंट नो हाउ बट द कॉर्नर वॉज ब्रोकन। तो मैंने फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड दे वर सो स्वीट कि उन्होंने बहुत ही जल्दी एंड बहुत ईजली एक्सचेंज कर दिया। पता नहीं कहाँ पे काम हो रहा है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से खट 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 आवाज़ आ रही है, बट दिख नहीं पा रहा है कि कहाँ काम हो रहा है। एंड आप धूप देखें, अजीब मौसम है यहाँ, तो ठंडी स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड यू नो, मेरे साइड में ऑलरेडी सुबह सुबह वाली ठंड एंड रात वाली ठंड स्टार्ट हो गई है ये। बट यहाँ दिल्ली नोएडा में कोई भी मुझे ठंड का आसार नहीं दिख रहा। कौन सी चाय? मैं सच में डाल दूँगी। तो आज मेरा मन कर रहा है ब्राउन ब्रेड खाने का बटर के साथ, एंड ये है बनाना, जो खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। और ये हमारा प्यारा टुक्कू जो आप लोगों को हेलो बोलने आया है, लग नहीं रहा वैसे। और ये फाइनली बन रही है हमारी चाय एंड यहाँ पे बना रही है अम्मी छोले। अलीना की नई कलाकारी। अलीना इधर तो आओ अलीना। ये अलीना ने कितने अच्छे चावल बनाए हैं, वाह। जिस जिसको भी खाने हैं वो आ सकता है। क्या है मदद जब सब हो चुका है उसके बाद। पीछे आप देख सकते हैं कितना सारा कबाड़ा। और ये हमारी चाय ऑलमोस्ट काली होते हुए, मैंने उतने नीचे गिरा चुके हैं। तो ये है अम्मी की चाय, क्योंकि अम्मी सुबह में सबसे ज़्यादा चाय पीती हैं। अब इसमें से मेरी चाय कौन सी है और वामिक की चाय कौन सी है? ज़्यादा शिद्दत से नाश्ता बनाते हैं। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई, शॉपिंग। भैया एक कप चाय लगाना। कितना ड्रामा करता है। हाँ तो आपको कुछ बनाना आता है, बताएं आप क्या बना। बिल्कुल बनाना, हटो। मेरा फेवरेट जो मैं हमेशा चाय के साथ खाती हूँ एंड मेरे साथ साथ रह के ये भी खाने लगे हैं। नहीं खाते इसको, करते हैं थोड़ा गरम एंड देन उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी लगता है गरम। अब हम इसको खाएंगे। किसमें क्या है? एवरीवन आस्किंग कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी कैसा जा रहा है, अब तक कैसा गया। तो इट वॉज़न्ट ईजी प्रेगनेंसी, यू नो, में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में एंड आपके रूटीन में, आपके लाइफ में। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट एट टाइम्स। कभी कभी आपको लगता है कि यू नो, बस अब जल्दी से सब कुछ हो जाए, बट ओवरऑल इट्स ब्यूटिफुल ऑल्सो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एंड मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में तो एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू टू यू। इट इज़ आई कॉन्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स एक्चुअली। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है एंड आपको तभी समझ आ सकता है जब आप इसको फील करोगे साथ। मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा है। ये डॉक्टर बोल रही थी कि हॉर्मोन्स की वजह से होता है, तो इसलिए आप इरिटेट होने लगते हो, आपको गुस्सा आने लगता है। तो हैट्स ऑफ टू वामिक के उन्होंने मुझे इतने महीने से मेरा गुस्सा एंड मेरा इरिटेशन बर्दाश्त किया है। लाइक लिटरली मुझे भी लगता है कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत गुस्सा करने लगती हूँ, बट ही इज़ ऑलवेज़ काम, यू नो, ही ऑलवेज़ ट्राइज टू अंडरस्टैंड। तो एक सपोर्टिव पार्टनर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
यू नो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द वाइफ हु इज प्रेगनेंट, यू हैव टू टेक इट टुगेदर, यू हैव टू यू नो स्टिक टू ईच अदर एंड मेक ईच अदर फील कि हाँ आप हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो आपके पार्टनर का प्रेजेंस करता है प्रेगनेंसी में. उससे ज़्यादा आपको किसी का शायद मुझे लगता है नीड फील नहीं होगा जितना आपको अपने पार्टनर का होता है. तो जिसका भी जिसकी भी वाइफ प्रेगनेंट हो उसको हमेशा ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि आप उनके साथ रहो, उन्हें फील कराओ दैट शी इज़ नॉट अलोन. एंड यू नो फिजिकल पेन चाहे आप फील नहीं कर सकते बट एटलीस्ट उनका साथ दे सकते हो. समवन यू नो हु नोज़ अ प्रेगनेंट वुमेन और यू आर मीटिंग अ प्रेगनेंट वुमेन, यू शुड नेवर एवर से कि अरे आप कितने मोटे लग रहे हो, इतना वेट गेन कर लिया, या इतने पतले लग रहे हो, या यू नो कोई भी नेगेटिव कॉमेंट्स जो आपको खुद पता है कि नेगेटिव है, ऐसे कोई कॉमेंट्स आप ना ही पास करें तो अच्छा होता है. क्योंकि प्रेगनेंट वुमेन इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट. किसी को भी वेट गेन नहीं पसंद होता, किसी को भी यू नो ये सब चेंजेस नहीं पसंद होते जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके बॉडी में आते हैं, चाहे वो फैट है, चाहे वो वेट गेन है, आपका फेस पे स्वेलिंग है, आपके पैर पे स्वेलिंग है, आप बहुत इरिटेटेड होते हो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से खुद में. एंड जब आपको दूसरा कोई ये सब फील कराता है, दोबारा दोबारा से यू नो ये सब चीज़ों के बारे में बोलता है, तो आपको और ज़्यादा बुरा फील होता है, विच इज़ वेरी नेचुरल. सो यू नो यू शुड जस्ट अवॉइड. अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ नेगेटिव भी मत बोलो. दैट सिंपल इज हाउ आई मॉनिटर माय ग्लूकोज लेवल्स दीज डेज. आई हैव टू मॉनिटर इट लाइक 4 times a day. एंड यू नो मुझे नीडल्स से इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था. बट प्रेगनेंसी में इतने सारे इंजेक्शन्स लग गए हैं कि अब मेरा सारा डर निकल गया है, टू बी ऑनेस्ट. आई एम चेकिंग माई ग्लूकोज लेवल्स. मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया, नाउ आई हैव टू टेक दिस मेडिसिन, देन आई विल टेक अ बाथ एंड देन उसके बाद देखते हैं मैं क्या शूट करती हूँ. So I just took a bath, had my food, offered namaz, and now हमें जाना है बाहर. Basically we have to go वामिक के फ्रेंड के वहाँ पे. तो अब मैं होंगी रेडी एंड देन आई सी यू. तो वी आर ऑल सेट टू लीव. आई एम रेडी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई लंच एंड देन मैं कुछ खाऊंगी एंड देन हम लोग निकलेंगे. अभी से इतनी थकन हो रही है बहुत ज़्यादा. प्रेगनेंसी में ना यही होता है, थोड़ा सा एनर्जी यूज़ करो उससे डबल एनर्जी चला जाता है. एंड अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है तो आई एम रेस्टिंग फॉर अ व्हाइल. सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर लंच, 2 पूरीज एंड छोले. हम लोग निकले हैं दोबारा से क्योंकि मेरा तो बैंड बज गया था. निकलते मुझे आधा, हम लोग बिल्कुल घर से थोड़ा सा दूर निकले थे तो मुझे हो गई वॉमिटिंग. फिर मैं घर गई तो वापस फिर से वॉमिट हुई, फिर थोड़ा बेटर फील हुआ. तो अब हम फिर से जा रहे हैं, आई होप हम ठीक से पहुँच जाएंगे. और ये अपने आप को छुपाना चाहते हैं. तो हम लोग रुके थे यहाँ उन लोग के लिए केक लेने के लिए एंड मुझे होने लगी दही बड़ा खाने की क्रेविंग, तो मैं वही खा रही थी. एंड यहाँ केक के स्पेलिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था तो वामिक देख रहे हैं कि लोग ठीक से लिख रहे हैं या नहीं. हाँ तो बताइए कैसा है ये जो आप खा रही हैं. फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकले एंड इतना ट्रैफिक था कि हम लोग को पहुँचते पहुँचते 2 घंटा लग गया. बनेंगे बार बार और वो बार बार बनेंगे बार बार. यहाँ कटने वाले हैं बाल, अब आप क्या काटेंगे तो वक्त ही बताएगा. यूटिलिटी जैकेट आज काम आ रही है. वीडियो इस साइड से काटो, क्रूज इस साइड से बनाओ. तो बाल तो उधर का कट रहा है ना, इस साइड से एंगल अच्छा आएगा ना. अरे नहीं, हमें बाल कटते हुए दिखाना है. कौन सा कट? फ्रेंच टोस्ट कट, कटोरा कट काट, फ्रेंच टोस्ट कट ना सर. एक बार जो निकला इसके अंदर सर. अरे नहीं, कटोरा लाइक किचन से वो वाला कट जो होता है ना, ऐसे बाल रखे होते साइड से उड़ जाते हैं वो वाला. तो अब हम चले खाना खाने. अभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, अब देख सकते हैं वामिक दबा के खाने के लिए तैयार.
और ये भाभी कर रही है मेरी गोद भराई, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार गई थी। एंड ये इसलिए करते हैं कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। ये इसमें गीत गाओ तुम लोग। तो बस फिर हम लोग जाने लगे घर। एंड हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, मैं वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। मैंने आने के बाद फिर कुछ भी शूट नहीं किया। तो यही है आज का व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।